हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान का बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया है, जिसमें नड्डा ने साल 2024 में देश के अंदर क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म होने की बात कही थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनका भाजपा के साथ हरियाणा में गठबंधन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन वह इतना जरूर कहेंगे कि देश से क्षेत्रीय दलों का वजूद न कभी खत्म हुआ था और न कभी होगा, जिसका उदाहरण कांग्रेस का वह इतिहास है जिसमें कांग्रेस ने एक बार नारा दिया था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, लेकिन उसके बाद ऐसा समय भी आया कि क्षेत्रीय दलों ने स्वयं इंदिरा गांधी को संसद के चुनाव में हरा दिया था। उसके बाद से देश में क्षेत्रीय दलों का जादू चल रहा है। आने वाले 2024 में क्षेत्रीय दलों का पूरी तरह से देश में सफाया हो जाएगा। क्षेत्रीय दल ना तो कभी समाप्त हुए और ना कभी समाप्त होंगे। हमारा अलायंस है, मजबूती से अलायंस चल रहा है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। मुझे याद है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नारा था जी। और क्या कहते थे, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री पद पे एमपी की सीट भी नहीं जीतने दी। वो कौन से दल थे? क्षेत्रीय दल थे। तो ये कहना हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की मोटिवेशन बढ़ाने का काम होता है। जहाँ गठबंधन की बात है, मजबूती से गठबंधन को निभा भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। और हमारा विजन एक ही है कि प्रदेश तरक्की करे, प्रदेश उन्नति करे, प्रदेश के युवाओं को उसका अधिकार। दुष्यंत चौटाला आज झज्जर के लोक निर्माण विश्राम गृह में हलके के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने और उनकी समस्याएं सुनने आए थे। इस दौरान उन्होंने जसपा द्वारा 25 सितंबर को चरखी दादरी में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचने और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती को सामाजिक कार्य कर मनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि यह सरकार की कार्यशैली का ही परिणाम है कि प्रदेश में 28,000 करोड़ का निवेश हुआ है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा बनने के बाद से हर मुख्यमंत्री ने अपना विजन लेकर राज्य चलाया है, लेकिन वह ये जरूर कहेंगे कि कांग्रेस का हुड्डा का शासनकाल सबसे खराब कार्यकाल रहा। हुड्डा राज में 65,000 करोड़ रुपए की CLU बदली गई, जिसका परिणाम आज गुरुग्राम के रूप में सबके सामने है। उन्होंने कहा कि यदि हुड्डा राज को याद कर प्रदेश का किसान रो रहा है, कारण कि उस दौरान किसानों की हजारों एकड़ खेती की जमीन लाखों रुपए के भाव किसानों से खरीद कर अपने भाई बंधुओं को बांटने का काम हुड्डा राज में हुआ। मारुति और होंडा कांड हुड्डा राज में ही हुआ था। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन काटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला CM और उनके संज्ञान में है। जल्द ही इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए हरियाणा में कैंप लगाए जाएंगे और उम्मीद है कि सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस दौरान बादली पालिका बनाए जाने को लेकर चल रहे अनशन के सवाल पर बोलते हुए डिप्टी CM ने कहा कि बाडड़ा और बादली की पालिका को इस प्रकार की समस्या है, लेकिन वह एक सर्वे कराएंगे। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। इस दौरान दुष्यंत चौटाला से झज्जर की अनाज मंडी एसोसिएशन भी अपनी मांगों को लेकर मिली। दुष्यंत चौटाला ने आश्वस्त किया कि उनके साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। 25 तारीख को जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का स्टैचू दादरी में स्टैब्लिश किया जा रहा है और झज्जर के साथियों की जिम्मेवारी है कि वो दादरी पहुंचे साथ में, क्योंकि पार्टी के दफ्तर की नींव भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी नवरात्रों में रखने आएंगे, तो उसके लिए भी साथियों को आज आदेश दिया गया है। प्लस जो पीछे कार्रवाई रही उसके अंदर झज्जर के साथियों ने, चाहे मेंबरशिप हो और हो पार्टी के, अच्छा काम किया, तो आज उसका रिव्यू भी था। और आगे जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार बूथ लेवल पर महिलाओं की टीम और युवाओं की टीम खड़ी करनी, उसके लिए भी जिम्मेवारी लगाई। सर, तीसरे मोर्चे की कवायद चल रही है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तीसरे मोर्चे की हवा निकालने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कैसे कार्यक्रम? विपक्ष कह रहा है सर, किस कार्यक्रम पे? 25 तारीख वाले मामले को लेकर जिस तो सारे अपनी अपनी तरफ से चौधरी देवीलाल जी का मान सम्मान करते हैं, और कोई आज नहीं है, ये तो एक ऐसी संस्था रहे हैं चौधरी देवीलाल, जिनका 87 से लेके और हर वर्ष जन्म दिवस धूमधाम से बनाया जाता है, कोई ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और मैं तो चाहता हूँ प्रेस के लोग भी मिलकर बनाए और याद करें वो पल जब आपके इस झज्जर के अंदर ही काम के बदले अनाज योजना बाढ़ के समय शुरू करी गई, जिसको आज हम मनरेगा के तौर पर जानते हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, जच्चा बच्चा योजना हो। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन रहे हैं
जिसको हमने निरंतर याद भी किया है और उसका मान सम्मान बढ़ाया। इसमें कोई पहला दूसरा तीसरा मोर्चे की तो बात ही नहीं आनी थी। ये तो वो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं इतिहास में जिनने देश के अंदर राजनीतिक जागरूकता अफसरशाही से ऊपर उठकर कैसे DC SP को गांव की चौपालों तक पहुंचाने का काम किया, और मुझे लगता है उसका लाभ हरियाणा ही नहीं देश के प्रत्येक नागरिक को मिला। गुंडा राज खत्म कर दिया।